हेलो एवरीवन, दिस इज मंदी फ्रॉम वीजा वेब स्टडी सर्विसेज। अज दी वीडियो डिस्क्राइब इमेज नू लैके आ। स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज होंदे आ, कई बार की करदे कंटेंट बोलन दे विच स्टक हो जांदे आ, फ्लुएंसी ब्रेक करदे आ, इवन कि उहनां कोले टेम्पलेट्स हुंदे आ स्टिल ओह फ्लुएंसी ब्रेक कर देंदे हैगे। डिस्क्राइब इमेज, डिस्क्राइब इमेज एक कैवें दी चीज हैगी जिहदे विच सिर्फ और सिर्फ फ्लो दे स्कोर हुंदे आ। तुसीं फ्लुएंसी मैनेज करके चलनी आ, तुहाडे स्कोर आ जाणगे, है ना। तो जिहदे विच बिल्कुल कंटेंट की भी जरूरत नहीं हैगी कि जे तुहाडे तो कंटेंट डिफिकल्ट वर्ड्स का नहीं बोले जाता, तुसीं ओनली टैंपलेट बोलना हैगा, ओनली टैंपलेट बोल के भी तुसीं वधिया स्कोर कर सकते हो। तो सिर्फ तुहानू की करना है, तुसीं सिर्फ एक्टिव होना है, फ्लो मैनेज करना हैगा। कई स्टूडेंट्स की करते बहुत ज़्यादा स्पीड नाल बोल देंगे, कई करते बहुत ज़्यादा सुस्ती पा देंगे हैगे, कई स्टूडेंट बहुत ज़्यादा स्पीड नाल बोलते हैं तो विच स्टक करते हैं। तो जो तुसीं बस हैजीटेट नहीं होना, जे कितने बाय चांस तुहानू लगता भी है कि तुसीं कितने स्टक हो रहे, इमीडिएटली तुसीं नैक्सट कर देना हैगा। तुसीं अपनी फ्लुएंसी का पूरा ध्यान रखना है ना। तो डिस्क्राइब इमेज की प्रैपरेशन किदां दी होनी चाहिए है? डिस्क्राइब इमेज विच तुसीं प्रिपेयर कर रहे हैं, तुसीं अपने टैंपलेट लई सूद एंड क्लीयर होने चाहिए हैं। तुहाडी साउंड जिहड़ी बिल्कुल सॉफ्ट साउंड होनी चाहिए हैगी है, बहुत ज़्यादा रश नहीं करना, बहुत ज़्यादा लाइक रूड साउंड नहीं होनी चाहिए। उहदे नाल थोड़ा जिहा टच, जिदा जो भी तुहाडा लैंग्वेज टच हैगा, नेटिव टच आना शुरू हो जाता, उहदे नाल तुहाडी फ्लुएंसी भी अफेक्ट होंदी है, उहदे नाल तुहाडे स्पीकिंग दे विच स्कोर भी इफेक्ट होंदे आ। सैकेंडली, जिन्ना स्टूडेंट्स नू रीड अलाउड दे विच थोड़ी हैजीटेशन हैगी है, जां रिपीट सेंटेंस दे विच मैक्सिमम स्टूडेंट हैजीटेट होंदे हैगे आ, उहनां लई डिस्क्राइब इमेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैगी है। उन्होंने की करना हैगा है, वह जी फ्लुएंसी उन्होंने पिछले खराब हुई आ रीड अलाउड के, इधर तुम थोड़ी जी अपनी फ्लुएंसी अप करके तुम स्पीकिंग वधिया स्कोर कर सकते हो। तो डिस्क्राइब इमेज जो तुम फाइनल एग्जाम होंगे जी मॉक टेस्ट के होंगे तो 25 सैकेंड का टाइम होंगे जिदे एक इमेज न प्रिपेयर करना होंगे, दैन बीप साउंड आने तो बाद बोलना स्टार्ट कर देना होंगे। तो रिस्पोंड का टाइम तुहाडे कोल 40 सैकेंड का होंगे। हुण इत्थे भी कुछ र्यूमर्स है, कुछ बच्चे साढ़े कोल आउंदे कहणगे कि सानूं फुल 40 सैकेंड बोलना है। तो जो तुम फुल 40 सैकेंड, पहली गल तुम इन्ना कंटेंट ही नहीं होगा कि तुम फुल 40 सैकेंड बोल पाओ, है ना। तो तुम की करना है, उन्होंने सम अप करो, तुम उन्होंने 12 सैकेंड, 25 सैकेंड, 15 सैकेंड, 20 सैकेंड, 30 सैकेंड, इट डिपेंड्स अपॉन योर स्पीड एंड फ्लुएंसी, है ना। कुछ बच्चे उही डिस्क्राइब इमेज नूं 13 सैकेंड दे विच कंप्लीट करते हैं, कुछ उही बच्चे 20 सैकेंड, कुछ 25 सैकेंड लै जाते हैं। बट तुम बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं लैके जाना, जिन्ना ज़्यादा लेंथी लैके जाओगे उन्ना ही ज़्यादा तुहाडी फ्लुएंसी ब्रेक होने के चांसिस होंगे। तो उसके विच टाइम नोट करने की जरूरत नहीं हैगी कि जे तुसी 15 सैकेंड भी बोल रहे हो ओके आ, जे तुसी 19 सैकेंड बोल रहे हो ओके आ, 20 सैकेंड बोल रहे हो ओके आ। तो उसके विच जो ही तुहाडा डन हो जाता है डिस्क्राइब इमेज, तुसी इमीडिएटली नैक्सट एंड ओके कर देना होंगे, है ना। तो जो तुहाडा प्रैपरेशन टाइम हैगा, तुसी उहनू एज इट इज़ अपनी फ्लुएंसी दे विच बोल के देखना हैगा या तो तुहानू आइडिया हो जाऊगा कितने कितने तुसी स्टक कर सकते हो, वो डिफिकल्ट वर्ड्स नू स्किप कर सकते हो। ओके, तो तुहाडा एक फाइनल सैंपल की हैगा आ। This is a line graph in front of my computer screen. The given line graph illustrates the information about population growth and projected population of Sydney. The data has been calibrated in numbers. At a first glance, it is quite clear that the highest data is projected on the opposite side, the lowest data is in census. Moreover, it is clear that data has been similar in census. Overall, it is very informative image to get knowledge about population growth and projected population of Sydney. कई बार की होंगे कि बच्चे तो उन्होंने टैंपलेट्स लर्न किए होंगे, कई बार बच्चे तो बार ग्राफ की जगह पर लाइन ग्राफ निकल गया, लाइन ग्राफ की जगह पर पाई चार्ट उसके मुँह चो निकल गया, जो बोलने लगे तो बच्चे हैजीटेट हो जाते हैं। कोई नैगेटिव पॉइंट नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं हैगी, जे तुहाडे तो बार की जगह पर लाइन, लाइन की जगह पर पाई या पाई की जगह पर इमेज निकलेगा तो कोई इशू नहीं है। तुम अपना कॉन्टीन्यू रखना है, तुहाडी सिर्फ फ्लुएंसी चैक हो रही है, तुहाडी जनरल नॉलेज नहीं चैक हो रहीगी, तो कोई इशू नहीं है। तुम अपनी फ्लुएंसी मैनेज करके रखो तो तुहाडे वधिया स्कोर आउणगे, है ना। तो एक होर सैंपल, हुण पॉवर्टी रेट बाय एज। ओके, दिस इज अ बार ग्राफ इन फ्रंट ऑफ माय कंप्यूटर स्क्रीन, द गिवन बार ग्राफ लिस्ट्स इंफॉर्मेशन अबाउट पॉवर्टी रेट बाय एज बाय जेंडर, द डेटा हैज बीन कैलिब्रेटेड इन नंबर्स एट द फर्स्ट ग्लांस इट इज क्वाइट क्लियर दैट द हाईएस्ट डेटा इज इन फीमेल ऑन द ओपोजिट साइड। ओके, दिस इज बार ग्राफ इन फ्रंट ऑफ माई कंप्यूटर स्क्रीन, द गिवन बार ग्राफ लिस्ट्स द इन्फॉर्मेशन अबाउट पॉवर्टी रेट बाई एज बाई जेंडर, द डाटा हैज बीन कैलिब्रेटेड इन नंबर्स एट अ फर्स्ट ग्लांस इट इज क्वाइट क्लियर दैट द हाईएस्ट डाटा इज इन मेल ऑन द ऑपोजिट साइड, द लोएस्ट डाटा इज इन फीमेल। मोर ओवर इट इज क्लियर दैट डाटा हैज बीन सिमिलर इन मेल एंड फीमेल। ओवरऑल इट इज वेरी इन्फॉर्मेटिव इमेज टू गेट नॉलेज अबाउट पॉवर्टी रेट्स बाई एज एंड बाई जेंडर। दिस इज पाई चार्ट इन फ्रंट ऑफ माई कंप्यूटर स्क्रीन, द गिवन बार ग्राफ। ओके, दिस इज द गिवन पाई चार्ट लिस्ट्स द इन्फॉर्मेशन अबाउट पेट एक्सपेंडिचर in US, data has been calibrated in numbers at the first glance it is quite clear that the highest data is in food and highest data is in vet care and well-being, lowest data is in pet purchase,
has been Simran. This is pie chart in front of my computer screen. The given pie chart list its information about PET expenditure in US. The data has been calibrated in numbers. At a first glance, it is quite clear that the highest data is in vet care and well-being. On the opposite side, the lowest data is in PET purchase. Moreover, it is clear that data has been similar in food and litter. Overall, it is very informative image to get knowledge about PET expenditure in US. ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਇਮੇਜ, ਤੁਹਾਡਾ ਫਲੋ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਹੈਜ਼ੀਟੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਬਾਕੀ ਸਪੀਡ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲਾਈਕ ਮੇਰੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਪੀਡ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਫਲੋ ਮੈਨੇਜ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਵਰਡ ਕਲੈਰਿਟੀ ਦੇਣੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਐਂਡ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫਲੋ ਰੀਡ ਅਲਾਊਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਫਲੋ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਇਮੇਜ ਐਂਡ ਰੀਟਲ ਲੈਕਚਰ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਅਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸਾਊਂਡ, ਕੁਛ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਰੀਡ ਅਲਾਊਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਇਮੇਜ ਰੀਟਲ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੋਫਟ ਟੱਚ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨਸ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਓਵਰਆਲ ਫਲੋ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਐਂਡ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਪੀਟੀ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਕੋਰ ਅਚੀਵ ਕਰੋਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ।